मुंबई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। इसमें जो कूड़ा फेंक रहा है वो शिवसेना के विधायक हैं। जिस शख्स पर कूड़ा फेंक रहे हैं वो बीएमसी का सफाई कॉन्ट्रैक्टर है। बेचारा चुपचाप विधायक जी के सामने नतमस्तक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचारे सफाई कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिससे उसकी ये हालत हो गई है। विधायक जी के मुताबिक उसके काम नहीं करने की वजह से नाला जाम हो गया है और बारिश का पानी सड़क पर जमा हो गया है, इसलिए विधायक जी का पारा साथ में आसमान पर पहुंच गया। ये वीडियो मुंबई के चांदी वाली इलाके का है और शिवसेना के इन विधायक जी का नाम दिलीप प्लांडे का है। बारिश के कारण हुए जल भराव का मुआयना करने निकले थे लेकिन पानी भरा हुआ देख गुस्सा हो गए। जिस पर इन्होंने कूड़ा फेंका उसके पास इसकी सफाई का ठेका था, लेकिन बतौर विधायक जी इसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, इसलिए सबक सिखाने के लिए विधायक ने उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया। विधायक जी का आरोप है कि पिछले 15 दिन से वो ठेकेदार को कॉल कर रहे हैं लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। निरीक्षण करते वक्त जब वो आया तो विधायक जी का सारा गुस्सा उसके ऊपर ऐसे निकला। ठेकेदार के आते ही उन्होंने उसे कीचड़ और पानी जमाव वाली सड़क पर धक्का देकर बैठा दिया। इतने से विधायक जी का मन नहीं भरा तो अपने कार्यकर्ताओं से उसके ऊपर कचरा फेंकवाया। विधायक जी की सारी हरकतें कैमरे में कैद हो रही थीं, लेकिन जब एबीपी न्यूज की टीम ने उनसे सवाल पूछा कि ठेकेदार के साथ इतना बुरा बर्ताव उन्होंने क्यों किया, तो जवाब में उनका क्या कहना था सुन लीजिए। दिलीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो कल कॉन्ट्रैक्टर के साथ व्यवहार किया गया इसके पीछे का कारण क्या था आपका? नहीं, मैं कोई किसी के साथ पे कोई व्यवहार किया नहीं और किसी के साथ मेरे को व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। क्या मानना है कि कॉन्ट्रैक्टर की यहाँ पे गलती है कि बीएमसी का यहाँ पे कुछ किरदार है? देखिए, मैं किसी के ऊपर कचरा फेंका नहीं है। मैं 15 दिन पहले से ठेकेदार और संबंधित अधिकारी को कहा था कि यहाँ पे नाला भरेगा, यहाँ पे LBS पे पानी आएगा और यहाँ पे LBS पे पानी आने से पूरे मुंबई शहर के अंदर हमारा कुर्ला का एलवाड़ का नाम खराब होता है। इसलिए आपकी और ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि ये नाले अच्छी तरह से साफ होना चाहिए और बारिश जाने तक जो टेंडर में लिखा है कि 4 महीना यहाँ पे वर्कर होना चाहिए वो हमेशा रखिए, वो नहीं रखा था। वहाँ पे बीएमसी के अधिकारी ने वो अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं किया। जिस लोगों को 4-5 दिन से बारिश में तकलीफ हो रहे हैं, हमारे पास लोगों जो लोग आशीर्वाद दिया है वो लोगों का कहना है कि आपको जिम्मेदारी दिया है, वो हम हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। चलिए मान लेते हैं ठेकेदार से गलती हुई, चलिए ये भी मान लेते हैं कि उसने सफाई का काम नहीं करवाया, लेकिन उसकी इस गलती की सरेआम सजा देने वाले विधायक कौन होते हैं? इसी सवाल को जब एबीपी न्यूज संवाददाता लता शर्मा ने मुंबई की मेयर से पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से मना कर दिया। एक तो मुझे वो पता नहीं है, आपके माध्यम से अभी मुझे पता चला है। मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्टर और दिलीप मामा लांडे इनके बीच का क्या संवाद हुआ, क्या उस सिचुएशन थी वो पता नहीं है ना। लेकिन एक है कि कोई भी आदमी जो हम बोलते हैं मनुष्य, वो बीइंग होना चाहिए, वो नहीं होता है तो अच्छा नहीं है जी। गलती होगी भी कॉन्ट्रैक्टर की, लेकिन इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अब एबीपी न्यूज पर सबूत वाला वीडियो देख शायद मेयर मैडम कुछ कार्रवाई करें, लेकिन एक बात तो साफ है कि गलती चाहे किसी की भी हो, इस तरह से किसी को सरेआम बेइज्जत करना ठीक नहीं है। अगर ठेकेदार ने वक्त पर काम नहीं किया तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता था, पेनल्टी लगाई जा सकती थी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पुलिस इस पर कार्रवाई करती है और क्या महाराष्ट्र प्रशासन विधायक से इस व्यवहार का जवाब मांगते हैं। मुंबई से संवाददाता लता शर्मा की रिपोर्ट। ABP News,
आपको रखे आगे।